नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल के लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा और आज जो मुद्दे मैं आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों, वो कुछ इस तरह से हैं। रसोई गैस के दाम एक बार फिर बढ़े और 15 दिनों में ये उछाल दूसरी बार आई है। और दूसरी बड़ी खबर, तालिबान के साथ भारत सरकार ने औपचारिक तौर पर बातचीत शुरू कर दी है। यानी कि देखिए, अच्छे दिन लाने का तो कभी इनका वादा था ही नहीं, चुनावी नारा था ये बात अलग है, अच्छे दिन तो आए नहीं। महंगाई का बोझ लगातार आम इंसान के कंधों पर बढ़ रहा है। दूसरी तरफ नकली राष्ट्रवाद के जरिए भारतीय जनता पार्टी जो लोगों का वोट हासिल करती आई थी, उस मुद्दे पर भी वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। और इन दोनों ही मुद्दों पर मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं, आपको लगातार अंत तक मेरे साथ रहना पड़ेगा। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल के लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल सभा अब तक तेरी है। सबसे पहले मैं आपको बतलाने वाला हूं कि आम इंसान पर किस तरह से महंगाई की मार बढ़ रही है। आपके सामने आज तक की खबर, महंगाई का झटका, एलपीजी सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़े। अब ये दूसरी खबर देखिए दोस्तों, लोकमत की खबर है, एलपीजी सिलेंडर रेट्स हाइक्ड बाय 25 रुपीज, हियर हाउ मच यू विल हैव टू पे फ्रॉम टुडे। हकीकत ये दोस्तों कि लगातार महंगाई की मार बढ़ रही है। आपको याद होगा एक खबर आई थी जिसमें एक इंजीनियर ने अपने पूरे परिवार को मारने का प्रयास किया और उस कोशिश में वो और उसका बेटा मर गया। मां और बेटी इस वक्त जूझ रहे हैं, जिंदगी और मौत के बीच उनका संघर्ष चल रहा है। आम इंसान इस वक्त इस कदर बेबस है दोस्तों महंगाई की मार को लेकर। और महंगाई की ताजा मार आपके लिए क्या मायने रखती है, मैं आपको बाकायदा इन आंकड़ों के जरिए बतलाने वाला हूं। सबसे पहले खबर क्या है मैं आपको बताता हूं। अब दिल्ली में 14.2 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर 884.5 रुपए हो गया है, जबकि इससे पहले यह 859.50 रुपए में मिल रहा था। बता दें, इससे पहले 18 अगस्त को रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 25.50 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। दिल्ली में रसोई गैस की कीमत 834.50 रुपए से बढ़कर 859.50 रुपए हो गई है। 15 दिन में ही गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया है दोस्तों। 50 रुपए महंगाई का मतलब आप समझते हैं, रसोई गैस, पेट्रोल जो है वो कई जगहों पर इस वक्त 110 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है, 107 रुपए से 110 रुपए प्रति लीटर पर। अधिकतर देश के हिस्सों में इस वक्त पेट्रोल जो है वो बिक रहा है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि एलपीजी के जो गैस के दाम बढ़े हैं, अन्य शहरों के लिए इसके क्या मायने हैं। आपकी स्क्रीन पर दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम सिलेंडर का दाम 859.50 रुपए से बढ़कर 884.50 रुपए हो गया है। कोलकाता में रसोई गैस सिलेंडर का दाम अब 911 रुपए हो गया है, 875.50 रुपए की बजाय 900.05 रुपए अब उन्हें चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा अन्य शहरों की अगर हम बात करें, दिल्ली में 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस की कीमत 1693 रुपए है, कोलकाता में कमर्शियल गैस सिलेंडर का भाव 1772 रुपए, मुंबई में 1649 रुपए और चेन्नई में 1831 रुपए प्रति सिलेंडर है। आम इंसान पर इस कदर इसका बोझ बढ़ रहा है, आंकड़ों के जरिए मैंने आपको बाकायदा बताया। मुझे याद आता है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के वो नेता मध्य प्रदेश के, वो कह रहे थे कि भाई पेट्रोल की डीजल की दाम से अगर परेशान हो तो अफगानिस्तान चले जाओ। याद है आपको बयान, आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये है कटनी के नेता भारतीय जनता पार्टी के, इनका नाम है राम रतन पायल। जी हां, अपने आप को राम रतन कहते हैं। इन्होंने क्या बयान दिया था, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बोले भाजपा नेता, सस्ता चाहिए तो अफगानिस्तान चले जाओ, वहां 50 रुपए में। अब तो आप यह भी नहीं कह सकते मान्यवर, जी हां, अब तो यह कहने का अधिकार भी बीजेपी के पास नहीं रहा। पूछिए क्यों, वो इसलिए दोस्तों कि अब भारत सरकार ने तालिबान के साथ गुप्त बातचीत शुरू कर दी है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये हैं तालिबान के नेता शेर मोहम्मद स्टैनगजाय। मैं आपको बता दूं, कल इनके साथ हमारी गुप्त बातचीत शुरू हुई है। खबर क्या है आपके स्क्रीन पर,
जो कतर में भारत के राजदूत हैं दीपक मित्तल, उन्होंने मुलाकात की है शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिकज़ई के साथ, जो कि तालिबान के राजनीतिक दफ्तर जो कि दोहा में है उसके प्रमुख हैं, उनके साथ ये मुलाकात हुई है दोस्तों। और ये बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में इस बात पर चर्चा हुई कि किस तरह से इस वक्त जो अफगानिस्तान के अंदर भारतीय फंसे हैं उन्हें बाहर कैसे लाया जाए। यकीनन भारत सरकार की प्राथमिकता यह होनी चाहिए और उसके लिए हमें किससे भी बातचीत करना पड़े हमें करना चाहिए, मगर दोहरे मापदंड का खेल नहीं हो सकता। अपने पालतू न्यूज चैनल्स के जरिए तालिबान के मुद्दे पर आप विपक्ष पर हमला साधो, मुसलमानों पर हमला साधो, उन लोगों पर भी हमला साधो जो तालिबान का समर्थन नहीं कर रहे हैं। मैं जानता हूं इस देश में ऐसे कई लोग हैं जो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, मगर ये दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। यानी कि बीजेपी जो पॉलिटिकल पार्टी है उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों के लिए तालिबान का इस्तेमाल करे, मगर यहां पर भारत सरकार उनके साथ गुप्त बातचीत करे। खैर, गुप्त बातचीत तो अब रही नहीं, अब तो खुलेआम हम बातचीत कर रहे हैं। और मैं फिर दोहरा दूं, देश हित में अगर आपको तालिबान से बातचीत करनी है, अगर आपको हमारे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, तो आप जरूर बातचीत कीजिए, मगर ये ड्रामा बंद कीजिए। इस ड्रामे के अंतर्गत आप लगातार देश को फाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, यही भारत में तालिबान का कथित समर्थन करने पर आपने कई लोगों को जेल में बंद कर दिया था। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब आप क्या करोगे? अब जो खबरें आ रही हैं कि भारत सरकार अफगानिस्तान में जो सरकार बनती जा रही है जिसमें संभवतः तालिबान का नेतृत्व होगा, भारत सरकार यह विचार कर रही है कि हम उनके साथ किस तरह का औपचारिक रिश्ता बनाएं। क्योंकि हम यह ना भूलें दोस्तों कि भारत ने अफगानिस्तान के अंदर 3 अरब रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। 3 अरब का आंकड़ा कोई छोटा नहीं होता है। और यही नहीं, भारत ने कम से कम 500 प्रोजेक्ट्स जो हैं पूरे अफगानिस्तान में शुरू किए हैं। अफगानिस्तान की जनता भारत से बेतहाशा मोहब्बत करती है। हमारे जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं अमिताभ बच्चन, वो खासे लोकप्रिय हैं अफगानिस्तान के अंदर। सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, तमाम लोग वहां लोकप्रिय हैं। वहां की जनता हमसे बेतहाशा प्यार करती है। इसलिए भारत अफगानिस्तान से इतने आसानी से नहीं निकल सकती। भारत के सामने यह धर्म संकट है कि हम ये तालमेल, ये बैलेंस कैसे बनाए रखें। मगर ये तालमेल तब तक नहीं हो सकता जब तक आप तालिबान का इस्तेमाल वोटों की उगाही के लिए इस्तेमाल करें भारत के अंदर। यानी कि तालिबान का नाम ले लेकर आप बेवजह यहां के मुसलमानों को टारगेट करें और दूसरी तरफ आप तालिबान के साथ औपचारिक बातचीत शुरू कर दें। मैं आपको यह भी बता दूं कि इस मुद्दे पर शिवसेना और एआईएमआईएम ने यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने करारा प्रहार किया है। शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रही हैं आपके स्क्रीन पर, तालिबान और भाजपा सरकार चीखते रहे टीवी और रैलीज में, देश में तालिबान के नाम पर जहर घोलने, अब चले हैं दोस्ती करने उन लोगों से जिनसे थे खफा, आज करने चले हैं उनसे वफा, कहती हैं प्रियंका चतुर्वेदी। असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर, Will these talks lead to recognition of Taliban? क्या इन बातचीत के जरिए तालिबान को स्वीकृति देगी भारत सरकार? India chairs UN Taliban sanctions committee. Will this mean that they will be delisted? क्योंकि भारत संयुक्त राष्ट्र में तालिबान के ऊपर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं उसकी अध्यक्षता कर रही है। क्या भारत सरकार तालिबान को उससे बाहर कर देगा? और विल यू पुट देम इन द UAPA टेरर लिस्ट, या फिर आप उन्हें अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जिसका आप इस्तेमाल भारतीय नागरिकों पर करते हैं, क्या आप तालिबान को उसमें डाल देंगे? यहां पर उन्होंने जिक्र किया दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र तालिबान प्रतिबंध समिति, आर्थिक प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता भारत कर रहा है। आपको मैं एक और खबर दिखाता हूं दोस्तों, और इस पर आपको चर्चा करनी पड़ेगी, इस पर आपको सोचना पड़ेगा। भारत इस वक्त संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थाई टेम्पररी प्रेसिडेंट है, और भारत के नेतृत्व में अब तक क्या होता था, जैसे ही तालिबान अफगानिस्तान में कोई भी आतंकवादी हमला होता था तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तालिबान का नाम लेकर कहती थी कि आप अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए ना करें या आप आतंकवाद पर अंकुश डालें। अब जबकि भारत इसका इंटरिम प्रेसिडेंट है,
टेम्पररी प्रेसिडेंट है, भारत ने तालिबान शब्द को हटा दिया है। यानी कि अब हम तालिबान को नसीहत नहीं दे रहे हैं कि आप अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल न करें आतंकवाद के लिए। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 16 अगस्त का यह बयान यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का आपकी स्क्रीन पर। द मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल रीअफर्म द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्बैटिंग टेररिज्म इन अफगानिस्तान टू एंश्योर द टेरिटरी ऑफ अफगानिस्तान शुड नॉट बी यूज to threaten or attack any country and that neither the Taliban, देखिए यहां पर ये लोग तालिबान का नाम ले रहे हैं, nor other Afghan group or individual should support terrorists operating on the territory of another country. 16 अगस्त को ये बयान, तालिबान को बाकायदा चेतावनी दी गई। अब जबकि भारत इसका interim president है, UN Security Council का बयान क्या है? The members of the Security Council reiterated the importance of combating terrorism in Afghanistan to ensure the territory of Afghanistan should not be used to threaten or attack any other country. आप देख रहे हैं यहां पर अब तालिबान शब्द को हटा दिया गया है। देखिए दोस्तों, मैंने 10-12 साल फॉरेन अफेयर्स कवर किया है और मैं इस बात को बखूबी समझता हूं कि कूटनीति के लिए और अपने देश की जनता की रक्षा करने के लिए कभी कभी आपको दो कदम पीछे जाना पड़ता है और हमें करना भी चाहिए। मैं बात स्पष्ट कर दूं, कल को अगर भारत सरकार यह दावा करे कि भाई तालिबान आतंकवादी नहीं है और तालिबान के साथ हम औपचारिक रिश्ते बहाल करने वाले हैं, क्योंकि मैं देश के साथ हूं तो मैं सरकार के फैसले के साथ भी रहूंगा, मगर निजी तौर पर मेरा मानना है कि तालिबान एक आतंकवादी सोच की संगठन है, उसके अलावा कुछ नहीं। इनका लंबा चौड़ा इतिहास है, ये लोग अब भी कर रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले आपको याद होगा इसी मंच पर मैंने आपको बताया था, फवाद अंद्राबी जो कि एक लोक गायक थे, उन्हें घर से बाहर निकाला गया और उनके सिर पर गोली मार दी गई। ये इनकी सोच है। मैं जानता हूं तालिबान की सोच है और मुझे नहीं लगता कि तालिबान की सोच में कोई बदलाव आने वाला है, और मैं भारत सरकार के इस धर्म संकट को समझता हूं। मगर बीजेपी जो है ना, दोनों तरफ से नहीं खेल सकती है। यानी कि तुम बैटिंग भी करो और बॉलिंग भी करो, ये तो नहीं होता चाचा। ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तालिबान के मुद्दे पर राजनीति की है। वो खुद मानते रहे कि गुड तालिबान और बैड तालिबान जैसा कुछ नहीं होता। फिर सत्ता में आकर आपके विचार कैसे बदल गए? सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। गुड तालिबान बैड तालिबान, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला नहीं है। हर किसी को तय करना पड़ेगा कि फैसला करो कि आप आतंकवाद के साथ हो कि आप मानवता के साथ हो, निर्णय करो। तालिबान का इस्तेमाल जो है तुम सिर्फ राजनीति के लिए करो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अंदर, मगर दूसरी तरफ उनके साथ बातचीत शुरू कर दो। ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, विपक्ष जो है वो सरकार को एक्सपोज करेगी, मगर क्या वो ऐसा कर पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि मैं नहीं भूला हूं समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क तालिबान को क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी बता रहे थे। अब जाहिर सी बात है, जब एक पॉलिटिकल पार्टी के एक सांसद की यह सोच होगी, हालांकि मैं जानता हूं कि अखिलेश यादव ने शफीकुर रहमान वर्ग के इस बयान से अपना जो है दामन झाड़ लिया, पल्ला झाड़ लिया है। यह वक्त आ गया है कि सरकार के बीजेपी के इन दोहरे मापदंड को लेकर विपक्ष कड़े तेवर अपनाए, मगर क्या कड़े तेवर अपनाएगा? क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार है? क्या आम आदमी पार्टी एक समानांतर नैरेटिव, एक समानांतर संवाद, एक समानांतर वैकल्पिक राजनीति देश की जनता को देने के लिए तैयार है? चलिए, आम आदमी पार्टी तो छोटी सी पार्टी है, हालांकि ये क्या कर रहे हैं, ये लोग सियासत बदलने आए थे। आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल ये बयान देते हैं कि उत्तराखंड को मैं देश की हिंदू राजधानी बना दूंगा या हिंदू केंद्र बना दूंगा। ये लोग देश की राजनीति को बदलने आए थे, मगर फिर वही ये लोग बीजेपी के पाले में खेल रहे हैं। कांग्रेस की बात करते हैं दोस्तों, सबसे दुखद स्थिति कांग्रेस को लेकर है। कांग्रेस आज की तारीख में एकमात्र ऐसा दल है जो राष्ट्रीय तौर पर बीजेपी को चुनौती दे सकता है, क्योंकि चाहे गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो,
इन तमाम राज्यों में कांग्रेस विकल्प है बीजेपी के मुकाबले। मगर कांग्रेस क्या कर रही है मैं आपको बताता हूं। इन दो राज्यों पर गौर कीजिए, पंजाब और छत्तीसगढ़। दोनों जगहों पर इनको कंफर्टेबल मेजॉरिटी है, मगर दोनों राज्यों में क्या हो रहा है, दोनों राज्य दो फाड़ हैं। एक तरफ अभी हाल ही के दिनों में भूपेश बघेल, जो कि ओबीसी के नेता हैं, ओबीसी पृष्ठभूमि से आते हैं, उन्हें दिल्ली बुलाया गया था, वहां पर लड़ाई चल रही है वहां के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में। खुद कांग्रेस के कुछ नेता इस लड़ाई को भड़का रहे हैं, यानी कि कांग्रेस को वहां दो तिहाई सीटें मिली हुई हैं और वहां पर भी इन्होंने जो है लड़ाई करवाई हुई है। वहां पर भी ये खबरें आ रही थी कुछ दिनों पहले कि भूपेश बघेल, जिनकी पृष्ठभूमि एक ओबीसी नेता की है, उन्हें हटाकर टीएस सिंहदेव को वहां का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आज की तारीख में तमाम राजनीतिक दल पिछड़े वर्गों से जुड़ी अपनी राजनीति को साधने में लगे हुए हैं, मगर छत्तीसगढ़ में इस तरह की चर्चा हो रही है कांग्रेस के अंदर। छत्तीसगढ़ जहां इन्हें दो तिहाई सीटें हासिल हैं। अब पंजाब की तरफ आते हैं। पंजाब में इन दो चेहरों पर गौर कीजिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू, दोनों के बीच में जो है जूतम पैजार चल रही है। नवजोत सिंह सिद्धू के दो एडवाइजर्स हैं, प्यारे लाल गर्ग और मलविंदर सिंह माली, ये लोग अनाप शनाक बयान दे रहे हैं। गर्ग साहब कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को पाकिस्तान की आलोचना नहीं करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान से हमारे रिश्ते हैं। मलविंदर सिंह माली कश्मीर पर विवादास्पद बयान दे रहे हैं। और जब हरीश रावत, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, सिद्धू से कहते हैं कि आप अपने इन एडवाइजर्स पर, अपने इन सलाहकारों पर लगाम लगाइए, तो नवजोत सिंह सिद्धू अपनी ही पार्टी को धमकी देते हैं खुले मंच पर, कहते हैं मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा। सुनिए नवजोत सिंह सिद्धू का बयान। और आज भी मैं हाईकमांड में इको गल कह गया है कि जे मैं इस पंजाब मॉडल के उत्ते इन्हां लोगों दीआं आसां दे उत्ते खरा उतरूं, मैं अगले साल 20 साल राजनीति दे विच कांग्रेस नूं जाण नहीं दूंगा। लेकिन जे तुसीं मैनूं निर्णय नहीं लैणा होगे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे में क्या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देगी, आम आदमी पार्टी चुनौती देगी? मुझे बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश चुपचाप काम कर रहे हैं। देखिए दिक्कत क्या है, देखिए विपक्ष को यह समझना पड़ेगा, सबसे पहली बात, आपको मुख्यधारा का मीडिया थोड़ी सी भी कवरेज नहीं देने वाला। आप जब गलती करेंगे तब आपके इतनी सी गलती को इतना बड़ा करके बताया जाएगा। मगर कांग्रेस जो है वो खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रही है, खुद अपना आशियाना जला रही है उन राज्यों में जहां आपको जबरदस्त बहुमत हासिल है। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार क्यों गई? वहां पर भी खेमों में बटी हुई थी कांग्रेस। एक तरफ कमलनाथ थे, एक तरफ दिग्विजय, एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया। वहां पर भी राहुल गांधी चाहते तो इन तीनों को सामने बिठाकर मामले को संबोधित कर सकते थे, इनकी सरकार आज भी बनी रहती मध्य प्रदेश के अंदर, मगर वहां पर भी आपकी सरकार चली गई। ऐसे राजनीति होती है क्या? खासकर तब जब आपके सामने एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी खड़ी हुई है जो साम दाम दंड भेद से सरकारें गिराना जानती है, जिसके पास पैसा ताकत सब कुछ है, पैसा बेहिसाब है, क्योंकि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी शायद दुनिया की सबसे धनी पॉलिटिकल पार्टीज में से है। इनके पास ईडी है, इनकम टैक्स है, इनके पास सीबीआई है, और कांग्रेस फिर ये हरकतें करती है। आज की तारीख में मैंने आपको दो मुद्दे बताए दोस्तों, आज बोल के लब आजाद है तेरे में। एक तरफ रसोई गैस के दाम बढ़ गए। मैं जानता हूं कि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीन पर उतर रहे हैं मुद्दे उठाने के लिए, मगर जब तक आपका संगठन कमजोर होगा, जब तक आपके नेता इस तरह से आपस में लड़ते रहेंगे, आप चुनौती नहीं दे सकते बीजेपी को। और कांग्रेस के अगर समर्थकों को मेरी बात बुरी लग रही होगी तो आप जानते हैं मैं वो पत्रकारिता नहीं करता हूं कि लोगों को खुश करने के लिए कर रहा हूं। जो लोग तालिबान का समर्थन करते हैं, मैं डंके की चोट पर बोलता हूं कि आपकी सोच जो है वो कहीं ना कहीं आतंकवादियों को समर्थन करने वाली बात है।
अगर आप समझते हैं कि कांग्रेस में ये जो चल रहा है इसे कुछ इसकी तारीफ की जाए तो आपको वाकई इलाज कराने की जरूरत है खुद को। क्योंकि दुख की बात क्या है दोस्तों कि जब हमारा विपक्ष कमजोर रहेगा तो विपक्ष के बगैर लोकतंत्र क्या है। आप जानते हैं कि ये लोग यानी कि बीजेपी सरकार लगातार लोकतंत्र की नींव कमजोर कर रहे हैं, नींव को लगातार खोद रहे हैं। इन्होंने अमृत उत्सव में से देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू का नाम ही हटा दिया, ये देखिए प्रमाण। ये कर रही है बीजेपी। जलियांवाला बाग जिसकी एक गरिमा होती थी उसको रेनोवेट करके बर्बाद कर दिया उन्होंने उस जगह को। ये वीडियो देखिए, लाइट एंड शो हो रहा है जलियांवाला बाग में, लाइट एंड साउंड शो। ये वो जगह है जहां नरसंहार हुआ था, आप वहां पर रॉक कॉन्सर्ट करोगे, वहां पर इस तरह का जश्न मनाओगे। ये कर रही है भाजपा सरकार। और चूंकि इस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह में तनाव चल रहा है, इसलिए आप देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह इस लाइट एंड साउंड शो का समर्थन कर रहे हैं कि इसमें क्या बुरा है। क्यों? क्योंकि कुछ ही दिनों पहले, एक दिन पहले राहुल गांधी ने इसकी आलोचना की थी। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है दोस्तों। एक तरफ मुख्य धारा की मीडिया आपको समर्थन नहीं देगी मुद्दों को लेकर, उल्टा आप जानते हैं पिछले 7 सालों में मुख्य धारा की मीडिया ने सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को समर्थन, विपक्ष से सवाल किए और सरकार को समर्थन दिया है। और दूसरी तरफ आप आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो लोकतंत्र कैसे कमजोर होगा? भारतीय जनता पार्टी सरकार को आप कैसे चुनौती देंगे? खैर, बोल के लब आजाद हैं का फलसफा यही है कि हम बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, हकीकत आपके सामने रखते हैं कोई बात, और यह हमारी कोशिश, हमारा प्रयास लगातार जारी रहेगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। Thank you.